एवरीवन, वेलकम टू सुष्मिता कैनवास। मैं जो बोली थी कि मैं जल्दी आ रही हूँ, मकर संक्रांति आने वाला है, पीठे के रेसिपी लेके, तो मैं आ गई हूँ आज पीठे के एक रेसिपी दिखाने जिसका नाम है पार्टी शेफ्टर। तो ये मैं एकदम बेंगोली ऑथेंटिक टाइप का ही मैं बनाने जा रही हूँ, तो और बातें ना करके तो चलो बनाते हैं पार्टी शेफ्टर। ये पार्टी शेफ्टर फिलिंग के लिए मैंने एक पैन ले लिया, मैं इसमें ही फिलिंग बनाऊंगी। और मैं फिलिंग मैं कोकोनट से बनाने जा रही हूँ, तो इधर ग्रेटेड कोकोनट मिलता है ऐसा, तो मैं ग्रेटेड कोकोनट ले लिया ऑलमोस्ट एक कप के जैसा। फिर इसमें मैं एक खजूर का गुड़ बोलता है इसको, तो मैं एक गुड़, ये देखने में ऐसा होता है, इसको पाटली गुड़ बोलता है, तो मैं एक गुड़ ले लिया। और ये सबको मैंने अच्छे से थोड़ा सा हाथ से मिक्स कर दूंगी। आप लोगों के पास एक गुड़ ना मिले तो आप लोग शुगर से भी बना सकते हो, मगर बंगाल में मकर संक्रांति के टाइम पे ये गुड़ मिलता ही है। और इसको मैं थोड़ी सी दूध से अच्छे से मैश कर लूंगी। गुड़ या शुगर का क्वांटिटी आप लोगों के हिसाब से मिलाना। गुड़ का जो स्मेल है ना, वो अलग ही स्मेल होता है, खजूर का गुड़ का स्मेल। मैंने इधर ये मिक्स कर लिया है, तो अभी इसको मैं गैस में चढ़ा दूंगी। मिक्सर को ऑन करके मैं गैस में को मीडियम पे 10-15 मिनट के लिए इसको कुक कर लूंगी। पार्टी शेफ्टर के अंदर जो फिलिंग होता है, स्टफ रहता है, इससे इसको आप लोग पूरा मावा का भी रख सकते हो। ऑथेंटिकली ये कोकोनट से ही होता है, तो मैं ये कोकोनट टाइप दिखा रही हूँ ऑथेंटिक वे से। और इस टाइम पे पार्टी शेफ्टा, दूध पुली, बहुत सड़ाकी पीठे बनता है जो इस टाइप का ही फिलिंग अंदर डाला जाता है। ऑलमोस्ट देखो सूख गया है, तो मैं अभी इसमें क्या करूंगी, मेरे पास ये होममेड मावा है, मैंने घर में बनाई, तो ये 2 चम्मच के जैसे मिला दूंगी। आप लोग स्किप भी कर सकते हो, कंडेंस मिल्क भी मिला सकते हो, या पूरा जिसको कोकोनट शूट नहीं करते पूरा मावा का भी बना सकते हो। तो मावा डालने से ये थोड़ा टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाता है, टेस्ट और भी बढ़िया आता है, और इसका जो अभी एरोमा आ रहा है ना पूरा किचन में, ऑसम। और इसमें मैं मिला दूंगी थोड़ी सी इलायची पाउडर, इसको भी मिला देते हैं। देखो मेरा ऑलमोस्ट हो गया है, बस और 2 मिनट। तो इसको बनाते बनाते हम लोग बैटर भी बना लेते हैं पार्टी शेफ्टा के लिए। हम लोग इसमें 1 कटोरी मैदा, 1/3 कप सेमोलिना सूजी या रवा, 1 कटोरी चावल का आटा, इनको अच्छे से मिला के पार्टी शेफ्टा का बैटर बना लेंगे हम लोग। दूध से ये भी आप लोग शुगर से या चीनी से या गुड़ से भी बना सकते हो, तो मेरे पास तो खजूर का गुड़ है, तो मैं गुड़ से बनाने वाली हूँ। हैंड यूज करना पड़ेगा,
गोल को मैं आप लोग पानी का भी यूज कर सकते हो तो मैंने गुड़ को अच्छे से गला लिया इसमें तो देखो ये बहुत ठीक है तो इसमें मैं थोड़ी सी अभी दूध नहीं थोड़ी सी पानी एकदम धोसे बैटर जैसा पतला भी नहीं होगा ये और एकदम ज्यादा थिक भी नहीं सेमी लिक्विड तो इसको मैं स्पैचुला से मिला लेती हूँ और जस्ट चुटकी सा नमक मेरा क्योंकि शुगर का आइटम जब भी मीठे का आइटम बनाओ तो जस्ट चुटकी सा सॉल्ट मैं यूज करती हूँ इसमें कोई इलायची पाउडर वगैरह कुछ नहीं डालेगा बिल्कुल भी जागरी गुड़ से नहीं बनता है खजूर का गुड़ से बनाना होता है या शुगर से खजूर का गुड़ से बैटर बनाओ तो थोड़ा सा रेड रेड होता है मेरा मिक्सिंग डन हो गया है और अभी मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स एक चुटकी नमक कभी भी स्वीट डिश बना रहे हो और जस्ट चुटकी सा नमक डाल के देखिए टेस्ट कितना बढ़ जाता है उसका फिलिंग बन के तैयार है देखो ये एकदम जैसे हम लोग लड्डू बनाते हैं ना नारियल का वैसा एकदम नहीं उससे थोड़ा सा सॉफ्ट थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये टाइट हो जाएगा इसमें कोई भी ऑयल वॉयल कुछ नहीं डालना होता है इसको बनाते समय क्योंकि कोकोनट का जो ऑयल है वो छोड़ता है तो अभी इसको थोड़ा सा हम लोग ठंडा करके बटर शेफ्ट बनाते हैं तो मैं फ्राइंग पैन ले लिया है इसको थोड़ा सा गर्म करने दूंगी इसमें ब्रश की मदद से कॉर्नर पे डालूंगी ऐसे करके फोल्ड कर देंगे तो मेरा पार्टी चैप्टर डन कैसा लगा आज का ये वीडियो आप लोग जरूर कमेंट करना और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हिट द लाइक बटन और अगर आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल स्टे ट्यून्ड बाय बाय टेक केयर